दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करना पड़े एक आधार सेंटर के ऊपर। देखो आज इस वीडियो का जो टॉपिक है यहाँ पे सिर्फ बैंक के ऊपर, बैंक के अंतर कैसे एक आधार सेवा केंद्र खोल सकते इसके ऊपर वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोग जो बताया था जो प्राइवेट सेक्टर में कैसे आपको एक आधार सेंटर ले सकते उसके ऊपर बात किया था। तो आज जो हम लोग बात करने वाला हूँ सिर्फ बैंक के ऊपर, बैंक के अंदर एक आधार सेंटर खोलने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट है और क्या क्या करना पड़ेगा, कहाँ पे जाना होगा, किसके साथ कांटेक्ट करना होगा, कितना पैसा लग सकते हैं, क्या आपका इन्वेस्टमेंट होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो आप जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो चलिए शुरू करता हूँ। देखो यहाँ पे एक बैंक के अंदर एक आधार सेवा केंद्र लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए और प्रॉपर नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तब एक आधार सेवा केंद्र आप ले सकते हैं बैंक के अंदर, ठीक है। और जिनको पता नहीं है वो लोग क्या करते, कुछ ऐसा लोगों को पैसा देता है तो उसका जो सेंटर है वो नहीं मिल पाता है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम भी यहाँ पे क्रिएट होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा एक आधार सेंटर लेने के लिए, आपको जो डॉक्यूमेंट है सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ। आपके पास सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट होना चाहिए, ये तीनों आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपका क्वालिफिकेशन भी अच्छा होना चाहिए, मिनिमम 12 पास आपका होना चाहिए। कभी कभी यहाँ पे 10 पास में भी ये कर देता है, तो आपका 12 पास है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आधार एग्जाम सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए। ये जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे दोनों टाइप होता है, यहाँ पे एक ऑपरेटर एक सुपरवाइजर, दोनों में से कोई भी आपके पास है तो आप आधार का काम कर सकते हैं। आपके पास कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, इस तरह का जो सर्टिफिकेट है वो आपको लेना जरूरी है। उसके बाद आता है यहाँ पे अप्लाई कैसे करें, किसके साथ कॉन्टेक्ट करें। दोस्तों आपके पास CSA ID यानी कॉमन सर्विस सेंटर का ID है तो आप आधार सेंटर बैंक के अंदर बहुत आसानी से खोल सकते हैं और यहाँ पे बिल्कुल फ्री में, कोई भी पैसा नहीं देना है। तो साथ CSC द्वारा जो प्रोवाइड किया है बैंक CSP वो आपके पास होना चाहिए, बैंक BC कोड आपके पास होना चाहिए जो CSC प्रोवाइड किया है, कोई भी बैंक हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो CSC प्रोवाइड किया है इस तरह बैंक BC होना चाहिए। कि आपके पास बैंक CSP है तो आप एक आधार सेंटर खोल सकते हैं बैंक के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपका जो बोंगियो ग्रामीण विकास बैंक आपका नियर बाय देखना होगा, जो बोंगियो ग्रामीण विकास बैंक उसमें आपको चला जाना है और मैनेजर का सिग्नेचर लेना है। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, आधार का मशीन वगैरह सब कुछ है, उस बैंक में अवेलेबल है, उस बैंक का कंडीशन अच्छी है तो आपका अप्रूवल दे देगा, ठीक है। वो अप्रूवल लेके आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के साथ कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, वो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कैसे लेना है वो बता देगा, ठीक है। एक आधार सेंटर आपको कैसे मिलेगा वो आपको बता देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको साथ कॉन्टैक्ट करना है, आपका जो नियर बाय डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है उसके साथ कॉन्टैक्ट करना होगा। देखो आपके पास मशीन वगैरह क्या होना चाहिए, देखो अप्रूवल तो मिल गया तो आपको मशीन सेटअप कैसे करना है। देखो आपको तो अप्रूवल मिला है तो आपको मशीन कैसे रेडी करना है, क्या क्या मशीन आपको चाहिए, मैनेजर अप्रूवल देगा, CSC के तरफ से भी आपका क्रेडेंशियल तैयार हो जाएगा, ID पासवर्ड मिल जाएगा, उस टाइम में आपको मशीन खरीद लेना है। तो आज आप मार्केट में जाएगा तो कल तो आपको मिल ही जाएगा ना। तो बहुत सारा ऐसा लोग क्या करते हैं, पहले मशीन खरीद के बैठा है, उसको आधार सेंटर नहीं मिला है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। एक आधार बनवाने के लिए जितना भी मशीन लगते हैं सारे आपको लेना है, जैसा कि लैपटॉप जो ECL सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है इस तरह का लैपटॉप आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे आपके पास एक स्कैनर जो 10 उंगलियां का स्कैन करता है, आप देखा होगा आधार सेंटर में रहता है, वो भी आपको लेना पड़ेगा। एक आयरिस डिवाइस लेना पड़ेगा, एक वेबकैम लेना पड़ेगा, ठीक है, वो एक प्रिंटर डिवाइस लेना पड़ेगा जो स्कैन भी होता है। तो ये आपका सारे ले लेना है, सारी मशीन आपके पास है ना, सारी मशीन आपके पास ही होना चाहिए, सारी मशीन आपका ही होना चाहिए। देखो यहाँ पे आपको CSC के तरफ से और बैंक के तरफ से कोई भी आपको मशीन नहीं दिया जाएगा, जो ये मशीन लो आप काम करो ऐसा नहीं है। जितना भी इन्वेस्ट करना है सिर्फ आपको खुद को करना पड़ेगा, मशीन के ऊपर जितना भी इन्वेस्ट है यहाँ पे आपको खुद को ही करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे बैंक भी आपको मशीन नहीं देगा, CSC भी मशीन नहीं देगा, तो सारे इन्वेस्ट आपका खुद का ही होगा। तो आपको लगता है ये आधार सेंटर हमको लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो आप ये प्रोसेस फॉलो करो, 100% आपको एक आधार सेंटर मिल जाएगा। बस वीडियो इतना है, इस वीडियो देखने के लिए थैंक यू।
सीएससी के साथ आधार सेंटर लेने के लिए जो ये फॉर्म है, इस फॉर्म का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देगा, डायरेक्ट ओपन करके इसी फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं ऑलरेडी पुराना वीडियो में हम लोग बात किया था, ये इसको कैसे फिल किया जाता है सारे डिटेल्स ले हम लोग बात किया था, वो वीडियो आप ज़रूर देख लो और इस फॉर्म को फिल कर ले। उसका उस वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देगा, डायरेक्ट ओपन करके आप देख सकते। ये बहुत ईजी प्रोसेस है, ईजी प्रोसेस फॉलो करके ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, देखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे छोटा सा फॉर्म है, ये फिल करना है और कुछ दिनों के बाद आपका जो मेल में अप्रूवल आ जाएगा और आईडी पासवर्ड भी मिल जाएगा। उससे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का कॉन्टैक्ट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अप्रूवल देगा तब आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा आधार का।